भारत का भीम ऐप देश में डिजिटल पेमेंट का आधार बन रहा है तो दुनिया भर में अपनी धाक जमा रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि भीम यूपीआई की तकनीक के लिए अब तक दुनिया के 30 देश भारत से संपर्क कर चुके हैं। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली भी आज दुनिया में नंबर 1 है। भारत की IMPS विश्व की एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो तेज भुगतान संवर्धन सूचकांक रैंक में लेवल 5 पर है। पीएम मोदी की कोशिशों से आज देश में डिजिटल इंडिया की धाक जम रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक UPI से सिर्फ 2 साल में ही 210 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन में 3,17,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। UPI से होने वाले लेन देन में 1800% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जी हाँ, 1800%। बीते 1 साल में IMPS और NEFT ट्रांजैक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से मोबाइल वॉलेट से लेन देन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस साल मई के महीने में 14,170 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सरकारी भीम ऐप से भी 1.63 करोड़ लेन देन हुए हैं। करप्शन लेस इंडिया, कैश लेस इंडिया, ये कभी देश के लिए सपना हुआ करता था, जो अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि इस सपने को हकीकत में बदलने में देश की जनता भी खुद भागीदार बन रही है।